वर्ल्ड कप में कई बार उलट फिर हुआ, आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया था, कभी बांग्लादेश ने इंडिया को बाहर किया था। आज हम भी उम्मीद करें कि न्यूजीलैंड पर ये वार जो है ये किया जाए। और कुछ ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं, दरअसल आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स आ रहे हैं। वर्ल्ड कप में सलामी जोड़ी जो है न्यूजीलैंड की, ये जल्दी टूट गई है। हर मैच में 36 रन से पहले विकेट गिर गया है। पहला विकेट जो है वो डेविन कॉनवे का गिरा है। जिमी नीशम कमजोर कड़ी है। स्पिन के खिलाफ कीवी बल्लेबाज जो है वो काफी कमजोर नजर आए हैं, और 111 से कम का स्ट्राइक रेट उनका स्पिन के खिलाफ है। और यहाँ तो चार चार स्पिनर हम दिखा रहे हैं गौरव, ये एक एक्स फैक्टर हो सकता है। ये सब देख के ना मुझे वो ट्रू इंडियन क्रिकेट फैन याद आता है, जो किसी भी तरह वो आंकड़े निकाल के ला के खींच के लाता है कि देखो ये है, यहाँ से हम पहुंच सकते हैं सेमीफाइनल में। लेकिन अफगानिस्तान की ताकत उनके स्पिनर से ही हम सब जानते हैं। आइए जरा उनके आंकड़े दिखाते हैं। राशिद खान ने अब तक 4 मैच में 7 विकेट अपने नाम किए हैं, और इकॉनमी उनकी अच्छी है, 5.9 की है। दूसरी ओर मुजीबुर रहमान है, जिन्होंने 2 मैच खेले हैं और 6 विकेट अपने नाम किए हैं। आज मुजीब के खेलने की उम्मीद है, जो भारत के हक में जाएगा अगर वो खेलते हैं। पिछले 2 मैच में प्लेइंग 11 का वो हिस्सा नहीं थे। अब सवाल है कि क्या अबू धाबी की पिच पर ये जोड़ी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर हावी हो सकती है। और जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, मनोज प्रभाकर इसी बारे में बता रहे थे कि ये दोनों अगर सेट में आए तो भारत के लिए उम्मीद सेमीफाइनल में जाने की। बार बार मेरे मुंह में भारत ही आ रहा है, न्यूजीलैंड आ ही नहीं रहा है। मनोज सर, ये जोड़ी अगर खेलती है तो भारत के लिए कितनी उम्मीद सेमीफाइनल में जाने की? नहीं, बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से स्पिन अटैक जितनी भी सब कॉन्टिनेंटल टीमों के बाहर जब भी न्यूजीलैंड हुई या साउथ अफ्रीका हुई, इनको बहुत अच्छा नहीं खेलना आता है स्पिन को तो। और ये जो स्पिनर हैं ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है इनके पास, वेरिएशन है, और जो जिस तरीके से उनको जहन है बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करते हैं वो, और कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत हाई है इन दोनों का। और मुझे लगता है कि अगर इन्हें मौका मिला, अगर स्कोर बोर्ड पे टांग दिए उन्होंने 150 रन, तो प्रेशर तो जरूर होगा न्यूजीलैंड। हम केन विलियमसन की बात कर रहे हैं, निखिल मार्टिन गप्टिल कितनी बड़ी थ्रेट होंगे यहाँ पर अफगानिस्तान के लिए? देखिए गुप्तिल बहुत अच्छा प्लेयर है, मगर स्पिन अटैक जहाँ निखिल जी देखिए, मार्टिन गप्टिल एक कड़ाकेदार बल्लेबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। अब क्योंकि हम, जैसे आपने कहा ना, ट्रू इंडियन फैंस हैं, वो आंकड़े ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहे हैं सबसे खोज खाज के, तो मैं भी आपको एक आंकड़े बता देता हूँ। जो न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज, उनकी औसत जो है ना वो 32 की है, स्ट्राइक रेट है 133 का, दोनों के मिला के 12 छक्के हैं, ये 13 छक्के, लेकिन बाकी सब बैट्समैन के मिला के औसत जो है ना वो गिर जाती है, वो 25 की हो जाती है, स्ट्राइक रेट कम हो जाता है। तो हम सब यही सोच रहे हैं कि वो पावर प्ले में अगर मार्टिन गप्टिल और डैरल मिचेल जल्दी आउट हो जाते हैं, और क्योंकि केन विलियमसन एक ऐसे बल्लेबाज है जो वो गोंद है जो पूरे बैटिंग ऑर्डर को जोड़ के रखेंगे, क्योंकि वही एक बल्लेबाज है जो स्पिन को सबसे अच्छा खेलते हैं, ठीक है। तो आपने बस यही सोचना है कि किसी ना किसी एक गेंदबाज का आज करियर बेस्ट फिगर्स हो जाए, चाहे मुजीब हो चाहे राशिद हो। बिल्कुल, इतनी सी हमारी दुआ है कि जो कमजोरी है उसी पर वार किया जाए, इसलिए हम बार बार कमजोरियों का जिक्र कर रहे हैं।